नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद देश के अलग अलग राज्य को गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्य को आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रशासन को पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा, हिंसा की आग कभी भी दस्तक दे सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश भी इस सूची में शामिल है। खासतौर पर दिल्ली से सटे अलीगढ़ और बुलंदशहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने ड्रोन के जरिए नजर भी रख रहा है। अमेठी के गणेश महाविद्यालय में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 28 जोड़ों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। ये विवाह समारोह बाबूगंज सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सदर विधायक सहित सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। हरदोई में सरकारी एम्बुलेंस चालकों ने वेतन और छुट्टी को लेकर नाराजगी जताते हुए जिला चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि सेवा प्रदाता कंपनी उन्हें बहुत कम वेतन दे रही है और छुट्टी पर उनके पैसे काटने के अलावा कई अलग अलग तरीकों से उनका उत्पीड़न कर रही है। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सरकार उन्हें परमानेंट करे या तो नेशनल हेल्थ मिशन से जोड़े। एमआरआई द्वारा सताए गए कर्मचारी हैं। हमने अनशन के लिए सभी मीडिया में पहले भी अवगत कराया था। 26 तारीख को हमारी कंपनी सेवा प्रदाता जो कंपनी उससे बातचीत हुई थी कि 26 को मिलेंगे, लेकिन जब भी कंपनी आती है तो अपना एक नया नया रोना रोने लगती है। कभी कहती है कि आप लोग बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, कभी मतलब कहती है कि केस दबाव देती कि आप ज़्यादा केस करें, कभी कहती है सैलरी बढ़ा कर नहीं देंगे। पिछले 8 साल से हम लोग 8,943 रुपये में सिर्फ काम कर रहे हैं, कोई बढ़ोतरी हम लोगों की नहीं आई है। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में आवारा गोवंशों से परेशान किसानों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। अनशन पर बैठे किसानों ने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कल तक प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आता है तो वो सैकड़ों पशुओं को तहसील परिसर में ही बांध देंगे। इस बात का बड़ा दुख है कि प्रदेश सरकार के कान पर जूम नहीं रहेंगी, प्रशासन के कान पर कोई जूम नहीं रहेंगी। कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक इनका सुध लेने वाला नहीं आया। आज हमने तय किया कि या तो कल तक सुबह तक ये अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे और इस समस्या का निराकरण करें, नहीं तो कल हम सभी पशुओं को तहसील में भरने का काम करें। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में पुलिस की सरिया गैंग के साथ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों का गिरोह आसपास के जनपदों में लोहा और सरिया जैसे सामानों की लूट को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य का लोहा बरामद हुआ है, जो लूट से रिलेटेड है। रेलवे के एक कार इको बरामद हुई है, जिसका उपयोग ये अपराधी इस दौरान कर रहे थे। और पूछताछ में इनके द्वारा जानकारी दी गई कि 17 से अधिक लूट की घटनाएं इन्होंने आसपास के जनपदों में लोहा सरिया लूट से रिलेटेड अब तक की हैं। और गैंग के बारे में और सदस्यों के बारे में जानकारी का प्रयास। अमेठी के भादर स्थित रोहित सिंह भवन प्रांगण में निशुल्क मोतियाबिंद नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 200 मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराई। वहीं मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए मुंशीगंज के इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय अस्पताल में बुलाया गया। साथ ही शिविर में सस्ते दामों में चश्मे और निःशुल्क कंप्यूटर द्वारा जाँच स्थल पर ही किया गया। इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय से आज कैंप लगवाया मैंने और बहुत लोगों ने यहाँ आ कैंप में आए, भागीदारी दिए और कम से कम 100 लोग का आज ऑपरेशन के लिए नाम दिया गया है। और इसी तरह मैं क्षेत्रवासियों के लिए काम करता रहूँगा। धन्यवाद। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती कर रहे किसान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्वाट टीम की मदद से खेत में छापा मार दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक के पूछताछ करने पर आरोपी किसान ने बताया कि उसे एक बाबा ये बीज दे गया था, जिसके कहने पर ही उसने ये खेती लगाई। फिलहाल पुलिस ने NDPS धारा के तहत आरोपी को जेल भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। 815 पौधे मिले हैं पॉपी प्लांट के, पोस्ता के पेड़ हैं, जिससे आगे अफीम तैयार की जाती है। तो एक तरह से अफीम की खेती का खुलासा मैनपुरी पुलिस ने किया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का नाम सुरेंद्र सिंह है, जो वहीं कमलनेर गांव का रहने वाला है। ये पूर्व प्रधान और BDC भी रह चुका है, ऐसी जानकारी मिली है।
इसका कहना है कि एक बाबा नाम का आदमी था जिसने इसको ये काम करना सिखाया। उस बाबा की भी तलाश है पुलिस को। फिलहाल इस मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। महोबा में एक शातिर युवक ने व्यापारी को अपना निशाना बनाते हुए उससे 13,000 रुपए हड़प लिए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दिया। व्यापारी के मुताबिक वो शादी से लौट रहा था, ठीक उसी समय शातिर ने उसके पैसों पर हाथ साफ कर दिया। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले नदी के किनारे मिले एक युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 हत्यारोपों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से युवक की हत्या में इस्तेमाल हुए वायर को भी बरामद किया है। बता दें कि मृतक युवक की हत्या गिरफ्तार अभियुक्तों ने प्रेम प्रसंग के चलते की थी। अमेठी में एसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जगदीशपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पकड़े गए अपराधी के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस सहित 2,500 की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि अपराधी के ऊपर पहले से ही कई संगीन मामलों में 21 मुकदमे दर्ज है। 20,000 रुपए का इनामिया है जिसका नाम है खुशियाल निषाद, जिसको आज जगदीशपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। और ये मूलतः अयोध्या का रहने वाला है। ये टोटल 8 लोगों का गैंग है जो रोड होल्डअप करके डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। और जिस गाड़ी से ये लोग घटना को अंजाम देते हैं, TUV, और इसके साथ एक अवैध तमंचा और 1,200 रुपए के साथ इसकी रिकवरी हुई है।